और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन जिंदगी का बड़ा असर देखने को मिला है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन जिंदगी को लेकर शुरू की सख्त कार्रवाई। तो कालाबाजारी करने वालों पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी पर सख्त निर्देश। तो कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। प्रशांत कुमार की तरफ से यह बयान दिया गया, अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 1253 जीवन रक्षक इंजेक्शन, 1337 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं, 18 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वहीं 844 ऑक्सीमीटर भी बरामद किए गए। तो एनएसए जैसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रशांत कुमार की तरफ से अपने बयान में ये तमाम बातें कही गई, कालाबाजारी की संपत्तियों की जब्त करने के निर्देश। तो न्यूज वन इंडिया ने दवाओं और उपकरणों की कालाबाजारी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका अब असर दिखाई दे रहा है और इसी पर अब प्रशांत कुमार की तरफ से बयान। न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन जिंदगी का बड़ा असर लखनऊ में। तो यूपी पुलिस ने ऑपरेशन जिंदगी को लेकर अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कतिपय समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शासन के निर्देशानुसार ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक 146 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से 1253 जीवन रक्षक इंजेक्शन, 1337 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा 844 ऑक्सीमीटर तथा अन्य उपकरण कालाबाजारी से जो किया जा रहा था उसको जब्त किया गया है। साथ ही साथ 62,35,790 रुपये भी बरामद किए गए हैं। सभी जिला प्रमुखों को और इकाई प्रमुखों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध परीक्षण करने के उपरांत एनएसए तथा गैंगस्टर के कार्रवाई की जाए तथा ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने काली कमाई से धन अर्जित किया है उनके संपत्तियां भी जब्त की जाए। वर्तमान समय में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के बीच प्रशांत कुमार की तरफ से ये बड़ा बयान, ऑपरेशन जिंदगी जो न्यूज वन इंडिया की तरफ से चलाया जा रहा है उसका असर दिखाई दे रहा है। लगातार संवाददाता एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसकी जिस तरह से देखा जाए, न्यूज वन इंडिया की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है ऑपरेशन जिंदगी, उसका असर अब दिखने लगा है। प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया। तो न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन जिंदगी का बड़ा असर, यूपी पुलिस ने ऑपरेशन जिंदगी को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कालाबाजारी करने वालों पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, दवाओं और चिकित्सकों उपकरणों की कालाबाजारी पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। तो प्रशांत कुमार की तरफ से यह बयान, अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं जिस तरह से कालाबाजारी हो रही थी उस पर भी लगाम लगाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ में, न्यूज वन इंडिया की ऑपरेशन जिंदगी का जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। एनएसए जैसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश, काला बाजारी करने वालों पर संपत्तियों को जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो न्यूज वन इंडिया ने दवाओं और उपकरणों की कालाबाजारी की खबर दिखाई थी, जिसका बड़ा असर धरातल पर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह की स्थिति है फिलहाल, उस स्थिति के बीच कालाबाजारियों का जो दौर है वो भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी तो कहीं दवाओं को, और ऐसे में अब इस कालाबाजारी को रोकने के लिए एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि अगर कोई कालाबाजारी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। 18 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 844 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं इस कार्रवाई के दौरान। तो एनएसए जैसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश, ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन जिंदगी का बड़ा असर लखनऊ में।
और रुक करेंगे संवाददाता इसके वाजपेयी का, इसके न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन जिंदगी को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू, कालाबाजारियों पर अब शिकंजा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें लगातार न्यूज वन इंडिया ने अपने ऑपरेशन जिंदगी अभियान के तहत दिखाया था कि किस तरीके से जो कोरोना के मरीज हैं उनके परिजन दर दर भटक रहे हैं, कैसे उनके साथ अवैध वसूली की जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चिकित्सीय उपकरणों को लेकर हो या फिर उसके अलावा जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको लेकर हो। निश्चित है कि यूपी पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। न्यूज वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था और दिखाया था किस तरीके से मरीज और उनके परिजन बेहाल है इन सारी चीजों के लिए, और जो समाज के दोषी हैं, जो समाज के रक्षक होने के बजाय भक्षक बने हुए हैं ऐसे कोरोना काल के दौरान, उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है ये प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया है। साफ तौर पर एनएसए के जैसे कठोर कानून के तहत उन पर कार्रवाई के निर्देश यूपी पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो उनकी संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश भी एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने जारी कर दिए हैं। अब तक बड़ी कार्रवाई ही की गई है जिसमें 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1253 जीवन रक्षक इंजेक्शन, 1337 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसके अलावा 844 ऑक्सीमीटर ये जब्त किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के पास से जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है जो इस पूरे कालाबाजारी के नेक्सस को प्रदेश के विभिन्न जिलों में चला रहे थे। 62,35,790 रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। तो निश्चित है कि न्यूज वन इंडिया ने जिस तरीके से समाज के लिए ये खबर दिखाई, बिल्कुल, और उसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इसके शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अब कार्रवाई की बात यहाँ पर कही है और अगर कोई कालाबाजारी करते पकड़ा गया तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन जिंदगी